सारा अली खान बोली, गुस्सा भी आता है और डर भी लगता है। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान ने मुंबई में चल रहे सिंटा के कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलवामा में हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस दौरान उनसे जब पुलवामा हमले में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखदायी है और इससे डर भी लगता है और गुस्सा भी आता है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला के गोरीपोरा में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद पूरा देश शौकी लहर में डूब गया है। इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार का बुरा हाल है। शहीद हुए जवान छुट्टी मनाकर लौट रहे थे। देश की शान और मान के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले 44 शहीद जवानों में से 12 उत्तर प्रदेश के सपूत हैं। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों में 2 बिहार और 3 राजस्थान के लाल भी शामिल हैं। इस मौके पर सारा अली खान ने सिंटा के साथ जुड़ने की खुशी भी व्यक्त की और कहा कि अभिनेत्री बनकर अभी उन्हें मात्र 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन सिंटा के साथ जुड़ना उनके लिए एक गौरवान्वित बात है। पुलवामा हमले पर बॉलीवुड के कई और कलाकारों ने भी सोशल मीडिया पर उनका रोष व्यक्त किया है और इस जघन्य अपराध को करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सारा अली खान के पापा की सैफ अली खान ने साल 2015 में कबीर खान के निर्देशन में रिलीज हुई फिल्म फैंटम में दानियाल खान की भूमिका निभाई थी और कटरीना कैफ ने नवाज मिस्त्री की 26/11 को मुंबई में हुए हमले पर लिखी गई किताब मुंबई एवेंजर्स पर बनी इस फिल्म में सैफ देश के दुश्मनों का खात्मा करते हैं। फिल्म में हारिस सईद का रोल शाहनवाज प्रधान ने निभाया था। हारिस सईद को हाफिज सईद का रूप दिया गया था जो लश्कर ए तैयबा वर्तमान में जमात उद दावा का संस्थापक है। सैफ का किरदार फिल्म में उसे खत्म करता है। लश्कर या जैश जैसे संगठन भारत के दुश्मन हैं और इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनको मिटा दिया जाए।